इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हम लोग कर रहे थे, केस फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया था। केस फर्स्ट क्या था? एट एन एक्सियल पॉइंट। अब हम केस सेकंड करने जा रहे हैं। केस सेकंड क्या है? एट इक्विटोरियल पॉइंट। अब पहली बात तो ये कि हम इक्विटोरियल पॉइंट समझ लेते हैं एक बार, होता क्या है। बहुत ध्यान से सुनना सेंटेंस पहले मेरा, बहुत ध्यान से। किसी डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पर, किसी डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी को इक्विटोरियल पॉइंट्स कहा जाता है। कुछ समझ में आया? एक बार देखिएगा, ये डायपोल है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जानते हैं, किसी लाइन को बाइसेक्ट करने वाली लाइन जो उसके परपेंडिकुलर, यानी कि एक बाइसेक्टर खींचा हमने इसका और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, और कैसा है इसके परपेंडिकुलर है, तो उस इक्विटोरियल, अब यहां पर लाइन नहीं है, इक्विटोरियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या रखा है? प्लेन रखा है। फॉर एग्जांपल ये एक डायपोल है AB, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या यहां से जाएगा O से, और O पर एक शीट रख दीजिएगा ऐसी पेपर की, ये एक पेपर की शीट रख दी। इस पेपर की शीट पर जहां भी जो भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स क्या कहे जाएंगे? इक्विटोरियल पॉइंट्स कहे जाएंगे। लाइन समझ गए आप कुछ? फॉर एग्जांपल ये डायपोल था और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैंने एक इस तरीके से प्लेन रख दिया, ये इस तरीके से दिखा, जो इसके मिड पॉइंट से होकर जा रहा है और पूरा एक प्लेन है, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। अब इस प्लेन पर जो भी पॉइंट्स हैं, इस हथेली पर, मेरे हाथ पर जहां भी कोई पॉइंट रख दीजिएगा, वो सभी पॉइंट्स क्या कहे जाएंगे? इक्विटोरियल पॉइंट्स कहे जाएंगे। सुन ली है इतनी बात? चलिए, तो आपको इक्विटोरियल पॉइंट पता चल गया। क्या होते हैं इक्विटोरियल पॉइंट? डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पर जो भी पॉइंट्स, द पॉइंट्स ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन ऑफ ए डायपोल आर कॉल्ड इक्विटोरियल पॉइंट्स। रिपीट करूंगा, आई थिंक आप रिपीट कर सकते हैं उसको, देखिएगा। तो ये अब एक बन गया, मैं एक जनरल, एक नॉर्मल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट ले ले रहा हूं। मैंने मान लिया ये रहा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये वो पॉइंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इक्विटोरियल पॉइंट है। मान लिया पॉइंट कौन है? सी। मुझे इस सी पॉइंट पर फील्ड निकालना है इस डायपोल की वजह से। बात समझ गए आप इतनी? और उस पॉइंट की डिस्टेंस हम लोग कोई भी डिस्टेंस चाहिए, कहां से मेजर करेंगे? सेंटर से मेजर करेंगे, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर ली है कितनी है? आर। कंफर्म इतनी बात, यानी कि ओ से सी तक की डिस्टेंस कितनी है? आर है। और ओ अगर मिड पॉइंट है तो ये भी ए है और ये भी ए है। आइए, कितनी बातें आप सीख पा रहे हैं? चलिए, तो मुझे अब क्या करना है? सी पर फील्ड निकालना है। वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक बार फिर से मैं बोल देता हूं। क्या कहता था? एक बार ए से निकालिए, एक बार बी से निकालिए, वेक्टर की तरह ऐड कर दीजिए। एक न्यूमेरिकल मैंने किया था लेक्चर 9B में, या 9 में, आई थिंक लेक्चर 9 में किया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड एग्जाम्पल। बिल्कुल डिक्टो है, कुछ चेंज नहीं है, लगभग वैसा ही है। तो देखिएगा, एक बार मैं सी पर फील्ड निकाल रहा हूं, किसकी वजह से? ए की वजह से। फील्ड एट सी ड्यू टू ए, फॉर्मूला आप सबको पता है, के ई, चार्ज कितना है क्यू, सेपरेशन कितना है, सेपरेशन किसके बीच का रखने वाले हैं हम? ए और सी के बीच का सेपरेशन। और ए और सी के बीच का सेपरेशन देखिए क्या ये हो गया है। आप में से कितने लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग बता पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम PT यूज करके, क्या बता पाएंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, ये सेपरेशन है कितना? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस, क्या बन जाएगा? अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पता है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तो क्या कहता है हमारे पास फील्ड के ई क्यू अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन कितनी है ये लिखी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या अंडर रूट खत्म। अब ये आप बोलेंगे सर ने एक स्टेप जल्दी कर दिया, बस इतना हम लोग समझ सकते हैं अपने आपस में। क्या बोला, सेपरेशन का स्क्वायर तो अंडर रूट खत्म। अंडर रूट खत्म हो गया तो क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कंफर्म इतनी बात। अब डायरेक्शन की बात बोलिएगा, डायरेक्शन की बात करिएगा, चार्ज कैसा था, एक बार नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव के लिए फील्ड क्या होता है, टुवार्ड्स दी चार्ज। टुवार्ड्स दी चार्ज का मतलब क्या, ये हो गया, दिख गया है आपको एरो, क्या बन गया है, सी से ए की तरफ। कंफर्म इतनी बात, लिख दिया मैंने सी टू ए। अब बात करते हैं एक बार सी पर फील्ड, बी की वजह से ई सी बी। फिर से वही फॉर्मूला, के क्यू अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। इस बार यहां पर सेपरेशन कितना है, क्या सी से बी तक का सेपरेशन ये है, अरे फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करिएगा, क्या ये भी वही बन गया है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम जब क्या करेंगे, के ई क्यू अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, तो यहां भी स्क्वायर करेंगे सेपरेशन का, तो अंडर रूट फिर से खत्म, क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन बोलिएगा, बी पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम दी चार्ज। अवे फ्रॉम दी चार्ज का मतलब बी से सी की तरफ। दिस इज दी फील्ड बी टू सी। आई थिंक आप पिछले लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं ये फील्ड कैसे आया है, टुवार्ड्स दी चार्ज और अवे फ्रॉम दी चार्ज हमें सिखा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 10 में आई थिंक आप देख सकते हैं उसको। बी टू सी, ये हमने दोनों फील्ड निकाल लिए, एक फील्ड ये है एक फील्ड ये है। अब जरा ध्यान देने वाली बात ये, मैं इस डायग्राम से कुछ हटा रहा हूं, डायग्राम को कंजेस्टेड होने से बचाने के लिए मैं ये सेपरेशन यहां से लिखी हुई है जो वो हटा दे रहा हूं। अब क्लियर, अब डायग्राम नीट एंड क्लीन हो गया है। जरा एक बात बोलिएगा, ये दोनों वेक्टर्स ना तो एक सीधी लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो जब कोई दो वेक्टर स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं तो उनका रिजल्टेंट सॉल्व करने के लिए, उनका नेट निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम रूल का यूज करते हैं। जब भी दो ही दो वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल होता है एक्सेप्ट 0 और 180, देन पैरेललोग्राम रूल से हम उसको सॉल्व करते हैं। पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है, तो हम वही रूल यूज करने वाले हैं। अब थीटा क्या कहता है, थीटा होता है एंगल दो वेक्टर्स के बीच में जिनका रिजल्टेंट मुझे फाइंड करना है। ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल कौन सा बना, क्या ये वो एंगल बना, और ये हमें पता ही नहीं है, पता नहीं है तो उसको कुछ अब करते हैं, इसको सामने लेके आने की कोशिश करते हैं। जरा एक बात बोलिएगा, क्या ये दो साइड्स इक्वल थी अपनी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल थी, अभी निकाला था कितनी आई थी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों सेम थी, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, सेम होंगे। मान लिया दिस एंगल इज थीटा, देन दिस वन इज ऑल्सो थीटा। कंफर्म इतनी बात, दिस एंगल इज थीटा, दिस वन इज ऑल्सो थीटा, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अब एक और छोटी सी ज्योमेट्री बता दूं, बहुत आसान है वैसे, घबराना नहीं। ये एंगल क्या एक्सटर्नल एंगल है, ये जो एंगल है वो कैसा है, एक्सटर्नल एंगल है इस ट्राइंगल के लिए, और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, अपोजिट टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये एंगल कितना बन गया है, क्या 2θ बन गया है, कितना बन गया है 2θ। कंफर्म इतनी बात। अब बस मैं पैरेललोग्राम रूल लगा देता हूं, नेट फील्ड एट सी इज इक्वल टू, ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है, क्या दोनों के मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम है। तो मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को कुछ मान लेता हूं एक्स एक्स, और क्या कर लिया है, ये मैंने लेट कर लिया है, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। पैरेललोग्राम रूल का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं क्या होता है,
अंडर रूट का फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर, शायद मैं यूज कर चुका हूं एक बार। तो फर्स्ट वेक्टर कौन है, ई सी ए प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स वेक्टर्स का प्रोडक्ट और कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, इनके बीच का एंगल, वो एंगल इस बार कितना है, टू थीटा है। अगर 60 होता तो मैं 60 लिखता, 90 होता तो 90 रखता, फिलहाल कितना है, टू थीटा, तो क्या बन गया, कॉस टू थीटा। ये बन गया है फॉर्मूला। इन सबकी वैल्यूज मुझे पता है, तो एक बार वैल्यू रखिएगा, ईसीए की वैल्यू भी एक्स है, ईसीबी की वैल्यू भी एक्स है, स्क्वायर कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू। ईसीए और ईसीबी दोनों एक्स हैं, तो प्रोडक्ट किया तो कितना बन गया, एक्स स्क्वायर कॉस टू थीटा। आई थिंक इतनी बात आप देखते जा रहे हैं, साथ साथ देखते जा रहे हैं। इन दोनों को एड कर दीजिए, कितना बन गया, टू एक्स स्क्वायर। तो ईसी क्या हो गया, अंडर रूट का टू एक्स स्क्वायर, दोनों ऐड हो गए, कितने हो गए, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर कॉस टू थीटा। यहां तक किसी को परेशानी तो नहीं है, अगर यहां तक परेशानी नहीं है तो मैं थोड़ा सा ये पोर्शन हटाने जा रहा हूं। आपकी नोटबुक पे इतना लिखकर रखिएगा कि एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक बार लिख लीजिएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर। इसके आगे के लिए मैं इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या इन दोनों टर्म्स से टू एक्स स्क्वायर कॉमन है, देखा, अंडर रूट का 2x स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया है, यहां से क्या बचेगा 1 प्लस यहां से क्या बचेगा cos 2 थीटा। मैथमेटिक्स वाले बहुत आसानी से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बायो वालों को भी मैं बता दूं कि यहां पर जो थीटा एंगल था, ये थीटा जो लिखा है ये मैंने लेट किया है, और जो मैंने लेट किया है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये बात समझ लेना बहुत ध्यान से, आगे के सभी डेरिवेशंस में काम आएगी, पंचलाइन है कि जो चीज हम लेट करते हैं वो हमें क्या करनी होती है, एलिमिनेट करनी होती है। अब यहां से इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, कॉस टू थीटा को एलिमिनेट करते हैं, कुछ इस तरीके से एलिमिनेट करते हैं, हम देखना क्या कर रहे हैं। वैसे मैथमेटिक्स वाले बोलेंगे कि यहां पर cos 2 थीटा की वो वैल्यू रखिए, cos 2 थीटा की वो वैल्यू रखिए जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए, जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए, तो बड़ा आसान से सॉल्व हो जाएगा। और cos 2 थीटा की वो वैल्यू होती है, मैं लिख दूं सभी के लिए, cos 2 थीटा, ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में, 10th क्लास में पढ़ रखी होगी आपने, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, रख दीजिएगा यहां पर 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2x स्क्वायर बाहर है, तो EC क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 4x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अंडर रूट हटाइएगा, अंडर रूट के बाहर क्या आएगा, 2x cos थीटा, कितना आ गया 2x cos थीटा। क्या आपको सबको x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, अभी यहां पर लिखी थी हम लोगों ने, क्या थी, 2 ke cube upon r square plus a square, ये किसकी वैल्यू रख दी मैंने, x की वैल्यू रख दी है। cos थीटा इस ट्रायंगल में देखिए, cos थीटा का फॉर्मूला पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है इसमें a,
हाइपोटेनस कितना है, क्या ये पता है कितना था? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। यहां तक दिख गया। देखिए ये डेरिवेशन हो सकता है किसी किसी को बहुत लेंदी लगे, पहले तो आप लिखते रहिएगा पूरा कंप्लीट, मैं बीच बीच में हट जाता हूं बोर्ड से, लिखते रहिएगा और घबराना बिल्कुल नहीं, सारे स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन डेरिवेशन है। वैसे इसका एक और तरीका भी है, कंपोनेंट मेथड वाला, वो भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी क्या किया मैंने, जरा एक बात बोलिएगा, Q into 2A क्या होता है आपको शायद याद होगा, Q into 2A चार्ज into सेपरेशन यानी कि डायपोल मोमेंट, तो क्या बन गया, फील्ड एट C इज इक्वल टू KE Q into 2A यानी कि डायपोल मोमेंट यानी कि P अपॉन, ये देखिए क्या बना, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर यहां पर कितनी है, 1 है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट का मतलब पावर कितनी है, 1/2 है, एक जगह पावर 1 है एक जगह पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ऐड हो गई, 1 + 1/2 का मतलब कितनी हो गई पावर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहां पर कितनी है 1, यहां पर कितनी है 1/2, कितनी हो गई 3/2। ये बन गया है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट एन इक्विटोरियल पॉइंट। इतनी बात कंफर्म। अब एक पंचलाइन फिर से है मेरे पास, डायरेक्शन अभी नहीं निकली है फील्ड की, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या पंचलाइन है मेरे पास, दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट, दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, तो दो इक्वल वेक्टर्स ये थे, इनका रिजल्टेंट इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, अभी एंगल है कितना 2 थीटा, तो बना कितना देगा, इक्वल एंगल से बाइसेक्ट करेगा यानी कितना बना देगा, ये रहा रिजल्टेंट, कितना एंगल बनाएगा, थीटा और थीटा। तो ये डायरेक्शन पहचाना जरा ईसी की, क्या अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई हैं, तो ये डायरेक्शन किधर जा रही है, डायपोल की डायरेक्शन क्या है, माइनस से पॉजिटिव, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट आ रही है, डायरेक्शन दिख रही है इसकी, क्या डायपोल एक्सिस के अपोजिट है, और अपोजिट है तो यहां पर लिख देंगे अपोजिट टू दी डायपोल एक्सिस, अपोजिट टू दी डायपोल एक्सिस। फिर से पंचलाइन, एक्सियल पॉइंट के लिए डायरेक्शन क्या आई थी, अलोंग दी डायपोल एक्सिस, इक्विटोरियल के लिए क्या आई है, अपोजिट टू दी डायपोल एक्सिस। दोनों सुन ली, शायद आपको याद होगा कि एक स्पेशल केस भी किया था हमने, इतना नोट करिएगा, स्पेशल केस की तरफ आ रहे हैं। स्पेशल केस क्या था, शॉर्ट डायपोल अगर मान लिया जाए, यानी कि फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या, छोटा था ए, बहुत छोटा था किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में, कि आर बहुत बड़ा है ए के कंपैरिजन में, तो हम किसको इग्नोर कर देंगे, ए को इग्नोर कर देंगे। इसी जगह देखिएगा, अगर ए को इग्नोर कर दूं, ये आपने नोट कर लिया है ये हो पहले, तो अगर मैं ए को इग्नोर कर दूं तो ये लाइन खत्म, क्या बची, आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्या 2 से 2 पावर कैंसिल, क्या बचा अब आर की, तो क्या बच गया, फील्ड एट सी इज इक्वल टू के ई पी अपॉन आर क्यू। ये आ गया एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर शॉर्ट डायपोल, और डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट टू दी डायपोल एक्सिस, डायरेक्शन जरूर याद रखिएगा क्या है, अपोजिट टू दी डायपोल एक्सिस। आई थिंक दोनों डेरिवेशंस, दोनों केसेस आपके समझ में आ गए हैं, एक एक्सियल पॉइंट एक इक्विटोरियल पॉइंट, बहुत जरूरी रिजल्ट है, दोनों में डिफरेंस देखना कितना था, आप देखिएगा एक्सियल पॉइंट के लिए निकल कर आया था 2 KEP/RQ, एक्सियल पॉइंट के लिए कितना था, मैं एक कंपेरिजन कर दूं, आई थिंक ये सब हट गया है,
क्या था, फील्ड एट एक्सियल पॉइंट 2KEP/r³, और फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट क्या था, क्या लिखा है, KEP/r³। अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो आपको दिख रहा होगा कुछ कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा मेरे पास फाइनली, ई एक्सियल अपॉन ई इक्विटोरियल इज इक्वल टू, क्या 2 बच गया है, यानी कि एक्सियल पर जो फील्ड है वो इक्विटोरियल का कितना है, 2 टाइम्स है, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्विटोरियल। ये आपके पास एक रिलेशन बन गया है किसके लिए, एक्सियल और इक्विटोरियल पॉइंट्स के बीच में फील्ड का। एक्सियल के लिए कितना, 2KEP/r³, इक्विटोरियल के लिए कितना, KEP/r³, और ये इनका बीच का रिलेशन है। दोनों डेरिवेशन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा करने की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आ ही जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप प्रैक्टिस करेंगे, इसकी पूरा वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे।